अरे सुनो सब लोग, देखो हमारे एरिया में कोई नया आया है। धक्का मार के पानी गिरा दिया इन बदतमीजों ने। इधर बैठे। हाँ। कौन हो तुम लोग? हाँ क्या चल रहा है यहाँ? कौन हो बे तुम दोनों? हाँ बोलो। कहाँ से? ए कौन चिल्ला रहा है? कैसी आवाज है ये? हेलो पुलिस स्टेशन, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अब जान के कुछ भी फायदा नहीं है मैडम, ऑलरेडी बॉम्ब फिक्स कर दिया। हा? बस थोड़ी देर और, 3 मिनट में ये बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब कहाँ है? वो तो नहीं बता सकते मैडम। चल तेरा बाप भी बताएगा। हटो हटो, चलो हटो, जाने दो रास्ता दो। चल सर, ये दोनों मिलकर बॉम्ब बना रहे थे, यही कहीं इन दोनों ने फिक्स किया होगा। आप कहे तो निपटा दो इन्हें। नहीं मैडम, पहले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। कांस्टेबल्स अरेस्ट देम। यस सर। ले जाओ। चल 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 चल। वहीं रुक जाओ, दूर रहो। व्यापार के नाम पे किसी भी अजनबी को यहाँ आने देते हो। अब देखो अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो क्या होता? आप सब में कौन इसका जिम्मेदार होता?
बाहर के लोग वैसे भी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं। आप लोग भी इंसान हैं और आप लोगों की भी जिंदगी है, ये कोई नहीं सोचता। एक सच बात बताऊं, वो आप लोगों को इंसान भी नहीं समझते, आप लोगों को जानवर समझते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सभी एक दूसरे की ताकत है, इस मामले में थोड़ा समझदार बनिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैडम आपको हमारे सर ने बुलाया है अभी। पर क्यों? वो सब हमें नहीं पता, आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो। दीदी पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हम भी आएंगे आपके साथ। शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी आती हूं। दीदी सर आपने मुझे बुलाया, कुछ काम है? जानसी, इन आतंकवादियों को पकड़वा कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर ये लोग ना पकड़े जाते तो इनके द्वारा किए हुए ब्लास्ट में हजारों लोग मारे जाते। लेकिन हादसा तो स्लम एरिया में होने वाला था ना सर, जहाँ कुछ नहीं हुआ। और आप तो शहर की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई खतरा ही नहीं था। बहुत बड़ा खतरा था, लॉकअप में डालकर जब इन्हें थर्ड डिग्री दिया गया ना, तब इन्होंने एक एक बात उगली। इतना ही नहीं, इनके पास से ये डायरी मिली है जिससे पता चलता है कि इन्होंने कहां कहां बम लगा रखे थे। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो हजारों लोग मारे जाते। इन दरिंदों को छोड़ना मत सर, इन्हें क्या लगता है इंसान की जान इनके हिसाब से सस्ती है क्या? बिल्कुल सही कहा है तुमने, इन जालिमों को लगता है कि इंसान को मार देना बड़ा आसान काम है। अब ये सब नहीं बचेंगे, इनके पीछे कौन से बड़े नाम है वो सब एक्सपोज। तुमने बहुत बड़ा काम किया, हमारे ऑफिसर तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हैं। जानती हो इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट वाले तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, अगर कभी कुछ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर सब लोगों की सोच तुम्हारे जैसी होती ना जानसी, तो कितना अच्छा होता। देख रहे हैं आप सब, इस जानसी की वजह से आप सबकी जान बची आज, वरना आज कितने मासूम मारे जाते। चूँकि जानसी जैसे लोग आपके बीच में है, इसीलिए आप सब लोग आज सुरक्षित हैं। अरे अरे क्या ए, क्या कर रहे हो तुम सब? मैं गिर जाऊंगी। अरे 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 यार क्या कर रहे हो तुम सब? नीचे उतारो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। रिवर्स ले, रिवर्स ले। Ah!
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं भद्रं नमो नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमो नमः बेवकूफ की औलादों, ये क्या लाए हो? दिमाग ठीक रखने के लिए क्या खाते हैं पता है? हरी सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, लेकिन साले दिन भर मांस चबाते रहेंगे। आ गए खाली पेटी लेकर वहां से, रोकड़ा कहाँ है? पुलिस के आने तक तो पैसा था। इसका मतलब पुलिस ने तुम लोगों के सामने पेटी में से पैसा निकाल के उसमें कचरा भर दिया क्या? नहीं भाई, पुलिस से तो हम बच के निकल गए थे, तभी एक लड़की बाइक पर वहां आई। भाई करंट से भी तेज थी वो, तूफान से भी भयानक, यूं समझ लीजिए बिल्कुल ज्वाला था, धधकती हुई ज्वाला। मुझे यहाँ मेरे पैसों की पड़ी है, तुम लोग उसकी तारीफ करके यहाँ मेरी खोपड़ी गर्म मत करो। यही गड़बड़ी हुई है, लड़की के चक्कर में पड़ोगे ना तो यही होगा, इसी तरह खाली पेटी आती रहेगी। किधर है वो? अभी के अभी यहां चाहिए मुझे वो, अगर नहीं मिली ना तो तुम लोगों की लाशों को दफनाने के लिए गड्ढा खुदवा रखा है। मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। उसे कहां और कैसे ढूंढोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 108 बार नरसिम्हा जाप करने तक मेरा खुद का पैसा मेरे सामने होना चाहिए। मुझसे पंगा लेके गलती की है उसने, उसे मेरे कदमों के नीचे लेकर आओ। जो यहाँ पर लड़की थी वो कहाँ पर चली गई है? मुझे ए, नहीं मालूम। बताता है कि मैं तुझे बताऊँ। अरे इसे क्यों मार रहे हो? ए, क्यों मार रहे हैं? चुप रहे। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या चाहिए? तू चाहिए और पैसा भी। हाँ?
कौन सा पैसा? जो तुमने सुबह सुबह छीने थे वही पैसा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ऐसा बोल के तू बच नहीं पाएगी। हम बेवकूफ नहीं है। तुम बेवकूफ हो या ना हो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ए, सीधे सीधे पैसा दे दे नहीं तो तू लड़की है ये बोल के टेढ़े तरीके से पैसा निकालना आता है हमें। ए, बराबरी का फाइट करने के लिए सामने वाले को भी स्ट्रांग होना चाहिए। तुम जैसे सिंगल हड्डी वालों की हड्डी तोड़कर मुझे मजा नहीं आने वाला। तुम में कोई दम नहीं। मुझसे लड़ने के लिए दम चाहिए। अगर तुझे मजा चाहिए तो हमारे साथ चल। कहाँ है दिखा? हमारे अड्डे पर चल। भाई तेरा वेट कर रहा है वहाँ पर। ए! मेरे सामने किसी को भी भाई मत बोलना। अब चलो मैं भी देखती हूँ कौन है वो। ज्वलंतम सर्वतोमुखम नारसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमो नमः। नारसिंहं भीषणं भद्रं भद्रं नमो नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं। मेरे आदमी बहुत तारीफ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि तुझे देख लूं मैं। अगर नहीं देखा होता ना तो कसम से ये मोमेंट मिस हो जाता। जैसे कीचड़ में कमल होता है ना वैसे ही स्लम में तू ग्लैमर की तरह खिल उठी है। बस मुझे देखना चाहता था। देख लिया ना? पता होता तो सेल्फी लेके व्हाट्सएप कर देती तुझे। तेरे इन पालतू कुत्तों ने मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ए, कुत्ता किसको बोल रही है? ए, मुंह बंद कर। बहस करने से कुछ नहीं होगा, सब घुस जाएगा अंदर। सॉरी, क्या नाम है तेरा? झांसी। इतिहास में भी ना मिटने वाला नाम है मेरा। Hey, सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं। निकाल रोकड़ा। कौन से पैसे? सुन, जो गेम मेरे आदमियों के साथ खेली ना मेरे साथ खेलना बेकार। यही बात मैंने तेरे इन कुत्तों को भी समझाया है। इनके साथ खेल खेलने में मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे बस दम चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए। नहीं है। Hey! लड़की है इसलिए चुपचाप हूँ। मेरी खोपड़ी का पारा मत चढ़ा। अगर ब्लास्ट हो गया ना तो फट जाएगा, तू जा नहीं पाएगी। ए, कब से बोल रही हूँ नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब मत कर। लगता है तुझे दुनिया का हिसाब किताब समझाना पड़ेगा। पैदा हुआ बच्चा पेट में वापस जाता है क्या? मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो सकता है क्या? दान किया हुआ पैसा फिर से वापस आता है क्या? ए, भाई से तमीज से बात कर। थूकती हूँ तेरे भाई पर। हा? कैसा भाई, कहाँ का भाई, किसने बनाया इसे भाई? बोल, मारेगा मुझे? शूट कर, मार। नहीं नहीं। तो फिर मुझे बोलने दे और मेरी बात सुन। क्या नहीं समझा? मार मुझे, मार। अरे पागल हो गई क्या? इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है क्या? हेलो, डील करोगे मेरे साथ? डील? अरे इन नालायकों के भरोसे मैं कोई भी डील नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? कोई और हो तो बताना। ओके डन। एक लड़की है। ए लड़की, झांसी इतिहास है मेरा नाम। ही ना मिटने वाली झांसी पता है। शाबाश, मेरे ही अड्डे पे आके मुझे ही धमका दिया। शेरनी की तरह ललकारती है। अरे मैं तो फिदा हो गया रे। ए, एक डील है, बोल करेगी? अच्छे पैसे दूंगा तुझे भाई। ए, मुंह बंद रख, बात कर रहा हूं ना। तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं।
तेरे चिल्लर पैसों के लिए मैं अपना माइंड और बॉडी वेस्ट नहीं करने वाली। परसेंटेज चाहिए। वाओ सुपर, तेरे में हिम्मत है, ये तूने यहाँ आके प्रूव कर दिया। ओके 10%। ये मच्छी मार्केट है क्या? बस 10%? हाँ, सीधे शब्दों में मुझे चाहिए 50%, नहीं तो डील कैंसिल, बाय। ए, रुक जा, डील ओके। दोना प्लीज, दोना ए रुको, ए ए दोना, ए राकेश दे दो, रुको राकेश प्लीज दे दो, दे दो यार राकेश ए, एक दे दो ना, एक दे दो, एक बार पहले एक किस बार दो? आप दे दो, आप दे दो। तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया क्या? कल ही कर दिया मैडम। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम। हटो प्लीज। और एक दे दो, दे ना एक। महाराष्ट्र में ड्रग की तस्करी बहुत बढ़ गई है सर, जो कि नौजवानों की मौत का कारण भी बन रही है सर। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रही है सर। इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, हमारे राज्य की राजधानी में इन दिनों ड्रग्स की तस्करी बहुत बढ़ गई है, ये बात मैं मानता हूँ, और हमारा डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ है। देखिए, जैसे रास्ते पर पड़े कचरे को पूरी तरह से साफ करने के लिए समय लगता है ना, तभी जाकर सफाई होती है, ठीक उसी तरह हमारे राज्य की राजधानी में फैले इन ड्रग माफियाओं को साफ करने में थोड़ा समय लग सकता है, ये तो मानते हैं ना, इसलिए आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तब तक ऐसे ही लोगों की बलि चढ़ती रहेगी सर। इसकी बलि चढ़ रही बताइए? इस नशे की लत से बर्बाद नौजवानों, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और इसीलिए स्कूल कॉलेज के आसपास वाले इलाके में ये धंधा ज्यादा पनपता है। हमने फैसला किया है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों को हम शहर के हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे, वहाँ CCTV इंस्टॉल करके ड्रोन से मॉनिटरिंग करने का प्रपोजल भी गवर्नमेंट को दिया है। ये सब बहुत जल्दी होगा, कहीं महाराष्ट्र अगला पंजाब ना बन जाए सर। देखिए, पंजाब में अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, ड्रग जैसे जहरीले नशे को करते हुए पकड़े जाने पर फांसी भी हो सकती है वहाँ। मैं मीडिया के माध्यम से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी टॉपिक के ऊपर हंगामा खड़ा करने से पहले इसके नुकसान के बारे में भी ठीक तरह सोच लेना चाहिए आप लोगों को। मेरा मतलब, ऐसा कोई सीरियस मैटर कभी हो भी जाता है तो आपका फर्ज है कि पहले आकर डिपार्टमेंट को बताएं, ताकि हम कार्रवाई करके पहले असली अपराधी को जेल में पहुंचा सकें। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्टूडेंट से भी एक अपील है, मेरी गुजारिश है कि आप सब गौर से सुने। आप में से जो भी ड्रग के एडिक्ट हैं, बेहतर होगा वो उसे छोड़ दे, ताकि इससे सप्लाई करने वाले लोग आप सबसे दूर रहें। देखिए, किसी भी माफिया को रोकने के लिए ना, हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। हाल ही में एक शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में एक ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट की छत से गिरने की वजह से मौत हो गई। इसी विषय में हम आज बात करेंगे। इन दिनों ड्रग की वजह से लोगों में एक डर सा माहौल है, खासकर महाराष्ट्र में रहने वाले युवा इनके बहुत शिकार हो रहे हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत गहरा प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नौजवान क्यों ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रग्स लेने से उन्हें बहुत मजा आता है, और तो और खुद के साथ दूसरों को भी लत लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ आम बाकी आमों को भी सड़ा देता है। ड्रग्स मिल रहा है इसलिए ले रहे हैं, अगर मिलेगा ही नहीं तो फिर कैसे लेंगे? लेकिन आजकल तो सभी स्कूल कॉलेज में पता नहीं दिन दहाड़े ये ड्रग्स का धंधा कैसे चल रहा है। ये ड्रग्स का धंधा रोकने के लिए हमारी सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट वाले कितनी भी कठोर कार्रवाई करते हो, लेकिन फिर भी उनसे बच बचा कर ये ड्रग्स स्टूडेंट्स तक पहुंच ही जाता है।
मुंबई बना नशीले पदार्थों की राजधानी। भाई बात करवाता हूँ ना, ये ले फोन पकड़। हेलो। क्या रे, धंधा जोरों पर है क्या? भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। आप कौन है? पैदा होने के बाद कृष्णा बारिश में नहीं भीगे, क्योंकि उन्हें आश्रय देने वाला था नागराज, अगर सांस छोड़े तो वैश्य। भाई बोलिए भाई। अब तक किसको दे रहा था, कितना दे रहा था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब के बाद तेरे प्रॉफिट का एक हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मेरे आदमियों के हाथों भिजवा दे। ये तो मुश्किल है। पहले ही बता दिया है नागराज विश्व गलता है। ठीक है भाई, एक मिनट। देखा पैसा लाने गया है। ओ। मानो बे, वो कौन तुम लोग? गुफा में घुस के शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? कौन हो बे? जीना नहीं है क्या? आने से पहले सोचना चाहिए था ये किसका एरिया है। पंगा लेने से पहले अपनी ताकत के बारे में सोच। यहां आ तो गए हो, जाने लायक कोई भी नहीं बचने वाला। किसके हाथ में हो तुम? भाई लाइन पर है, बात करो पता चल जाएगा हम किसके आदमी है। अबे ओ लंगूर, मैं क्यों बात करूं? तब मैं तो उससे बोल यहाँ आए, मैं यहीं खड़ा हूँ। भाई क्या हुआ रे, पैसे मिले क्या? नहीं भाई, आपको बुला रहा है। क्यों बे? जरा फोन दे बिल्डर को। बिल्डर नहीं भाई, बिल्डर ने फोन करके सीमा को बुला लिया है। सीमा बोलता है? हाँ? भाई भाई बोल। मैंने बुलाया तुझे। इस सिम्हा राज से टकराएगा, मैं इस गुफा का शेर हूँ, हफ्ता नहीं लेने का इधर। यहाँ मेरे शिकार से कोई नहीं बच पाता। आके दिखा रहा हूँ, आ रहा हूँ। शेर अपना पेट भरने के लिए कमजोर जानवरों का शिकार करता है, लेकिन मैं नागराज हूँ जो जहर उगलता है, समझा? हाँ। भाग क्या? तुझे भी ये तो पता चले मैं कौन हूँ, कितना खतरनाक शिकारी हूँ। चलो रे। भाई नोटों को टेबल पर फैला दे। अगर उसमें हिम्मत है तो एक भी नोट उठा कर दिखा। ठीक है भाई। भाई आ गए। आजा आजा, आ गया। कौन है रे तू? ये एरिया सिर्फ मेरा है, और यहाँ का दादा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। दिखा, छू के दिखा। अगर बंडल में से एक भी नोट तूने छू लिया ना, तो बिना हड्डी पसली के तुझे पार्सल कर दूंगा। हो गया तेरा, हो गया। भौंक लिया क्या तू? चुप हूँ तो तू कुछ भी बोलेगा क्या? जमाना बदल गया है, वही जीतेगा जिसमें दम है। मुझसे टकराएगा तू? हाँ। छुरी से मारना बहुत ही पुराना स्टाइल है, और इन्हें इस्तेमाल करने में भी टाइम लगता है। 2 फुट के तलवार से बेहतर 1 इंच के बुलेट का ज्यादा वैल्यू है, समझा? ए, अब डरना मत, जो भी है ब्रीफकेस में डाल। ए! झांसी।
जल्दी कर। बिजली की तरह आई और पैसा लेकर निकल गई और पैसे के साथ साथ मुझे भी बचा लिया। मुझे तो लगा था ये पैसा लेकर ये गायब हो जाएगी। ईमानदारी का दूसरा नाम सिर्फ झांसी है, ये साबित हो गया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं तेरे तरफ से हूँ तो बाकी के डील में बहुत परेशानी होती, इसलिए मैंने ऐसा किया, समझा? बाय बाय। देखा, मेरे साथ इतने गधे खड़े थे, टाइमली घोड़ी की तरह घुसी और सबको ठोक गई। ये लो, जाओ ऐश करो। सिम्हा सेंट यू? यस। फॉलो मी।
हुआ सर, मुझे ऐसे क्यों घेर लिया? तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। मेरी तलाशी? पर क्यों? हमें तुम पर डाउट है। हाँ? कैसा डाउट? तुम्हारे बैग में कुछ है, दिखाओ। चुपचाप ये बैग दे दो, सुनाई नहीं दे रहा है? रोड पे बाइक की रेसिंग थी क्या? इतनी स्पीड क्यों थी? मैं स्पीड चला रही थी, आप लोग मेरे पीछे आ रहे थे, मैं आगे बढ़ रही थी। ठीक है जाओ। हेलो हेलो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। पुलिस ने पकड़ लिया था ना? हमारे धंधे में कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। गया ना माल, गया ना भाई को अगर पता चला कि माल पकड़ा गया तो मुझ पे उनका कॉन्फिडेंस खत्म। फिर मैं तुम ये सब के सब मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे बिना कटोरे के। हे, मुझे लगा कि तू लड़की है, किसी को भी तुझ पे कोई डाउट नहीं होगा ये सोचकर तुझे वहां भेजा। अब इतना लॉस करवा दिया, 50% भरेगी मेरा। अरे ओ, मैं कब से चिल्लाए जा रहा हूं और तू बेफिक्र खड़ी होकर यहां पान पराग चबा रही है मुंह में। पता भी है मैं कितने टेंशन में हूं? टेंशन से मेरी खोपड़ी ना फट जाए कहीं। माल कहां है? अरे यहां, यह तो माल साथ में होना चाहिए ना, इसको कैसे छोड़ा उन्होंने? तुझे भी पकड़ लिया होता तो अच्छा ही होता। आप समझ नहीं रहे हो, माल ना जब्त कर लिया होगा और इसको यूज करके छोड़ दिया होगा भाई, बात बस इतनी सी है भाई। एक लड़की के बारे में इतनी चीप बातें एक थर्ड क्लास इंसान ही कर सकता है। लड़कियां क्या सिर्फ मजा लेने की चीज है? हाँ, खबरदार। ओए झांसी, उसको बाद में धमकाना, मुझे ये बता माल किधर है? माल के बगैर तू यहाँ से निकल भी नहीं पाएगी। ओए, मैं माल के बारे में पूछ रहा हूँ और तू स्क्रू ड्राइवर से खेल रही है, क्या हुआ माल का? दिमाग हो तो इसके जैसा, देखो देखो देखो। ए, ले जाओ ले जाओ, लेकर जाओ जल्दी। सुनो, मस्तान को दे देना ये। ले लो।
हाँ सर, इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो, जल्दी करो। चल 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 चल, जेल में दिखा दे को क्या होता है। भाई एक गुड न्यूज है। क्या? उन्होंने जो ड्रग्स का डील किया था वो पुलिस ने सीज कर दिया है। गजब की गुड न्यूज लाया है तू। ये सिम्हा की पहली हार है, मतलब मेरी पहली जीत। अब हुआ असली खेल शुरू। अब तो मुझे शेर की गुफा में घुस के उसको मारना है। सिम्हा, ये नागराज जहरीला है, याद रखना। आखिर जीत गया। तमाम कोशिशों के बावजूद मेरा दुश्मन गुगली डालकर आखिर जीत ही गया। ये उसका ही काम है। उस हराम खोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबक जरूर सिखाऊंगा उसे। Yes! हे सी, मैं टेंशन में हूँ और तू हंस रही है। हाँ? मैं गेम खेल रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। जितना तुझे टेंशन है ना, उतना मुझे भी है। 50% मेरा भी तो गया है ना। मैंने इतनी मेहनत की, पुलिस से बचा कर माल लाई थी, और तुम्हारी इन आदमियों की वजह से सब कुछ डूब गया। एक लड़की होकर जितनी समझदारी मुझ में है वो तो इनमें बिल्कुल नहीं है। ऑफिसर्स, इन ड्रग माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए सरकार ने सीरियस ऑर्डर दे दिया है। यकीन मानिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे। आखिर हमारे शहर में ड्रग्स का धंधा इस कदर बढ़ क्यों रहा है? पेपर वाले, चैनल वाले, आखिर मैं इन सबको क्या जवाब दूंगा, बताइए मुझे। अगर यूं ही चलता रहा ना तो हमारे ऊपर के लोग फट पड़ेंगे हम पर। देखिए, अगर हमारे देश का युवा सीधे सच्चे मार्ग पर चलेगा ना तो हमारे समाज ही नहीं हमारे देश को भी आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। हमारे युवाओं को इस बुरी लत से बचाने के लिए, टेररिज्म, ड्रग्स, ऐसी खतरनाक चीजों से हमें उन्हें बचाना है। देखिए, आप सबको मेरे ऑर्डर्स के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। आप अपनी फोर्सेस लेकर जाइए और इन बुरी शक्तियों का एक एक करके सफाया कर दीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो एनकाउंटर करने में भी हिचकिएगा मत। ओके? यस सर। दीदी, दीदी, क्या हुआ? पानी। हुआ क्या है बोलो। दीदी, हमारे घर को वो लोग तोड़ रहे हैं, सबको मार रहे हैं। कौन है वो लोग? अरे ऐसा मत करो, छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चलाओ, अरे जाने दो हमें, क्या करो, घर मत तोड़ो, तुम्हारी वाह। अब आएगा मजा। जेसीबी इंजन की आवाज सुन के तू आएगी, पता था मुझे। ए नागराज, अपने लोगों को बोल दे ये तोड़ फोड़ जल्दी बंद करे, नहीं तो। नहीं तो क्या, क्या कर लेगी तू? बोलना क्या करेगी? जेसीबी ब्रीफ केस नहीं है ये, उस दिन की तरह तू लेकर चली जाएगी, समझे? ए, घरों का नामो निशान मिटा दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ खत्म कर दो, कबड्डी का मैदान बना दो सब कुछ, जिसकी बाउंड्री लाइन मैं क्रॉस करूंगा। ए नागराज, तू ये बाउंड्री पार करेगा, मेरे एक पंच से सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगा।
तेरे साथ है इसलिए तू इतना उड़ रही है ना। मैं चाहूं तो तुम दोनों को चींटी की तरह मसल के रख सकता हूं। तो कमीने, अभी भी तेरी अकड़ नहीं गई है ना? फिर कभी यहाँ दिख गया ना तो बचेगा नहीं, याद रखना। चलो रे। झांसी, अच्छा हुआ तू आ गई। आप देवी हो। हाँ। मेरे होते हुए इस जगह को कोई छू नहीं सकता। अपनी जान पे खेलकर मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगी। ऐसा मत बोलो बेटी, इस जगह के चलते तुझ पर कोई आ जाए इससे पहले तो हम अपनी जान दे देंगे बेटी। जब तक तू है हम चैन की सांस ले सकते हैं बेटी। हाँ, सच कहा। इस अकाउंट का पूरा डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है सर, अभी लेके आता हूँ। हेलो, गुड न्यूज है भाई, मूड बन जाएगा आपका। ये न्यूज सुनते ही खुशी से नाचने लगोगे। क्यों, ऐसी कौन सी बात बोलने वाला है बे तू? चल भौंक, जल्दी जल्दी कर। भाई, नागराज जेसीबी लेकर स्लम एरिया में घुसा था तोड़ फोड़ करने के इरादे से। इतने में हमारी लड़की लड़की हाँ भाई, मेरी टीम में एक नई लड़की आई है। उसने नागराज और उसके आदमियों को सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया, स्लम एरिया से निकाल के फेंक दिया। तेरी बात सुन के तो छोड़, अगले हफ्ते आ रहा हूँ। और बता, दुबई डील का क्या हुआ? वो क्या है कि भाई, वो थोड़ा लोचा हो गया, डील मिस हो गई। क्या मिस? कैसे? तेरे रहते मिस कैसे हो गया? नहीं भाई, उस डील के लिए लड़के भेजे थे। तो शर्म, शर्म आनी चाहिए तुझे। लड़की का डील सक्सेस हुआ है और लड़के की डील फेल हो गई। ए सिम्मा, ऐसे नालायकों को क्यों पाल रखा है तूने? 10 बूढ़े घोड़ों को पालने से तो अच्छा है ऐसे एक शेरनी को पाल ले तू, समझा? उन सबके हाथ पैर तोड़ के सिग्नल पे बिठा सालों को रखो। हे झांसी, ये देख, जितना चाहिए ले ले। कोई नया डील है क्या? एडवांस। तूने उस नागराज और उसकी पूरी टीम को स्लम एरिया से खदेड़ दिया ना, उसी का एडवांस है। भाई को मैंने तेरे बारे में बताया, एकदम खुश हो गए, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। Thank you. ये क्या है? साइन करना?
ये लो। ठीक है। अरे लो ना। तेरी वजह से मेरी जान बच गई। आज अगर तू नहीं होती ना तो मेरा तो काम तमाम ही हो चुका था। इसका तो रिएक्शन ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे झांसी, ये सब क्या? ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ फालतू सवाल मत कर। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती ना तो सच में तू खत्म हो जाता। किसके साथ तू डील कर रहा है, वो कौन है, क्या करता है, सबकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और अपनी आंख बंद करके नहीं खोल के रखनी चाहिए। नहीं, मुझे भी डाउट हुआ था उसपे। क्या है कि जब मैं बात कर रहा था ना तो मुझसे नजर नहीं मिला रहा था, कहीं और नजर थी। वो इधर उधर देख रहा था और तू उसे देख रहा था, है ना बेवकूफ। सब नागराज ने करवाया, अब मैं उसे छोड़ूंगा। छोड़ेगा नहीं, इसीलिए कहती हूँ तेरे अंदर में ना अक्कल थोड़ा कम है। तुझे क्या लगता है उसे मारना आसान है क्या? भाई ये सिगरेट उल्टी है। पता है मुझे, पता है तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं? पागल लगता हूं तुझे? सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, इसलिए अभी मैं भी उल्टा चलाकर देख रहा हूं कि कैसा लगता है। मैंने सोचा था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उनको मारने का, लेकिन उल्टा हमारा ही आदमी मारा गया। बहुत बुरा हुआ ये सब। आदमी तैयार करने में कितने दिन लगते हैं पता है? भाई भाई, एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है बे? न्यूज वालों की तरह ऐसे चिल्ला क्यों रहा है तू? वो सिम्हाराज का गॉडफादर महाराष्ट्र में लैंड करने वाला है भाई। सिमा। हाँ भाई। मेरे आने की खबर उन्हें पता है? हाँ भाई, इन्फॉर्म कर दिया है। कर दिया है, आ जाएंगे। ये सब रीजंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा इतना खौफ होना चाहिए कि सबको डर लगना चाहिए। मेरे से पहले आके वो खड़े रहे, तेरे भरोसे मुझे कोई डील करनी ही नहीं चाहिए थी। एक मामूली से इंसान को नहीं ला पाया, मुझे खुद आना पड़ा। काम चलो। भाई अच्छे से देख लो, एक ही शक्ल के दो लोग दिख रहे हैं। शौक लगाना।
गन चक्कर, तू कभी इसके पीछे था तो कभी इस टकले के पीछे पड़ा था। ये दोनों तुझे बिल्कुल उल्लू बना रहे थे, समझा? देख कैसे मैंने दोनों को पकड़ा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो समझ गया ना? हाँ भाई, आपके सामने हम कोई होशियारी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई। आपसे पंगा लेकर हमें मरना नहीं है भाई। गुड गुड। अभी जो समझदारी की बात की है ना, यही पहले की होती तो तुम लोगों ने मुझे यहां आना ही नहीं पड़ता, समझ गए तुम? आह, व्हाट अ परफ्यूम। मेरे आने की खबर मैंने सोचा नहीं था किसी को लग सकती है। मेरी खबर किसी ने तो दी है। जिसने भी मेरी खबर दी है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जरूर हम में से ही कोई है जो उनसे मिला हुआ है। हाथ लगेगा तो मैं उसे मसल दूंगा। तुम सारे इस धंधे के लायक ही नहीं हो। सब साड़ी पहन लो और जाकर कहीं मुजरा करो। इस गाड़ी में बैठने के लायक नहीं। भाई भाई, हम में से कोई भी धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज लोग, गद्दार लोग कब पार्टी बदल लेते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। भाई मुझे तो नागराज पे ही डाउट है, जरूर उसी ने ये सब। नागराज नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा, मैं अपने हाथों से मसल लूंगा उसे। ए, पीछे हट। इस भाई को देखने के लिए तो पब में जैज डांस करके दिखा रहा था ना, तो देख ले, क्योंकि फिर देखने का सेकंड चांस बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बच्चा बच्चा समझ के इग्नोर कर रहा था। मुंबई क्या तेरे पाप का है? ए, मुझसे पंगा लेके मेरे धंधे में उंगली करेगा? उंगली करेगा तू? हाँ अभी करके दिखा, करके दिखा यहां पर उंगली। हाय, मेरे ऊपर गन रखकर लगातार भौंकते जा रहे हो और खुद को डॉन कह दे। दम है तो गन हटा के दिखाओ ना, फिर बताता हूं मैं तुझे। लेकिन तू तो फट्टू है। ए कलिंगा, भाई को धमकी देता है। ए सिम्हा, धमकी देने के लिए तेरी तरह मैं इसका पालतू कुत्ता नहीं हूं, समझा? ए, ट्रिगर नहीं दबाए तो उड़ रहा है, उड़ रहा है तू। आवाज आवाज नीचे कर, नहीं तो थूक। नहीं तो क्या करेगा तू, शूट करेगा? करना। भाई इस फील्ड में ये सोच कर आया था, या तो पुलिस की गोली से मरूंगा या तो दुश्मन की गोली से, क्योंकि अपना धंधा ही ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। देखो भाई, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैंने तेरे धंधे में उंगली की मैं मानता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे पंगे लेने की आदत नहीं है मुझे। पंगा लेना ही है तो सीधा बड़े बड़े लोगों से लेता हूँ, नहीं तो पंगा लो ही मत ना। सही बोला ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका अंजाम होगा क्या ये सोच लेना चाहिए था तुझे। तू कभी भी बुला ले, मैं आ जाऊंगा, लेकिन चिल्लर पैसों के लिए पुलिस को चाटना तो बंद कर दे। उनका जासूस मत बन, ये गलत है, वरना नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। एक मिनट एक मिनट, क्या बोले? जासूस, वो भी पुलिस का? भाई
तुम सच में भाई हो कि नहीं, इसका मुझको डाउट हो रहा है। भाई, इस धंधे में रहकर पुलिस का इन्फॉर्मर बनना मतलब खुद का ही एनकाउंटर करवाना, भला कौन चाहेगा इस तरह भाई के बंदूक का शिकार बनना। कुछ तो दिमाग लगाओ। किसी भी चमचे की बात मानकर आप यहाँ पर आ गए क्या भाई, कमाल करते हो। अरे यार भाई झूठ बोल रही है, शूट करिए, बच के भाग ना पाए। इतना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हमारे शहर में था और हम उसे पकड़ नहीं सके, ये हमारी असक्षमता बताता है। लेकिन आप सब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलने मत दीजिएगा। ये भाई उर्फ दुर्गा प्रसाद जब तक इस शहर में है, यहां क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती ही रहेंगी। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि एक स्पेशल ऑफिसर को हम अपने शहर में बुलाएंगे, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्रिमिनल के छक्के छुड़ाकर उसे तबाह कर दे, ऐसा हिम्मत वाला और शौर्य वाला धैर्यशाली ऑफिसर जिसका नाम राम है, हमारे शहर में पोस्टेड हो चुका है। राम। यस सर। आपको याद है ना आपको यहां बुलाने का उद्देश्य क्या है? जानता हूं सर, शहर में बढ़ता हुआ राउरिज्म, डकैती, ड्रग माफिया, चाहे मैं महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहूं, लेकिन मुंबई में चल रही हर चीज की जानकारी रखता हूं सर। सर, आपको एक सच बात बताता हूं, हम मेहनत करके किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो FIR लिखने से पहले ही जो कॉल आता है वो लोकल कॉर्पोरेटर का होता है, दूसरा कॉल MLA का आता है। चलिए उन सबको इग्नोर करके भी अगर चार्जशीट बनाई जाती है तो तब तक हमारी कुर्सी खतरे में आ जाती है। MP से लेकर MLA तक सब मिलकर हम पर प्रेशर बनाने लगते हैं, हमारे सामने हमारी चार्जशीट फाड़ कर फेंक देते हैं। यही कारण है सर कि आजकल पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा उठता ही जा रहा है सर। फिर भी मैं सबके सामने महादेव की कसम खाकर कहता हूँ सर, अगर मेरे काम के बीच में कोई भी अधिकारी या पॉलिटिशियन डांग नहीं अड़ाएगा तो विद इन अ वीक सिटी विल बी क्लीन सर। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया, चाहे बीच में कोई भी आ जाए तुम रुकना मत, तुम आगे बढ़ो, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ। बॉय। यस सर। सिमा, तेरे अड्डे में तो कोई भी घुस जाता है, बहुत ही आसान है, लेकिन मेरे अड्डे में पूरी टीम के साथ पुलिस घुस आई है, इम्पॉसिबल। जरूर किसी गद्दार ने पूरी तैयारी के साथ पुलिस को गूगल लोकेशन सेंड कर दिया होगा मेरे बारे में। वो गद्दार कौन है उसका पता लगाना ही होगा और मैं लगाकर ही रहूंगा। भाई, मेरे सारे आदमी बहुत ही भरोसे वाले और काफी पुराने हैं, ये लोग एकदम लॉयल है भाई, और अपनी जान देने से कभी भी ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो इनको बोलो कोई एक अपने आप को शूट करके ईमानदारी का प्रूफ दे दे मुझे, बस वफादार है, बस बातों से डोसा खिलाने में और हाथों से डोसा बनाने में फर्क है, छोड़ो इन बातों को, जान दे देंगे जान। बेवकूफ कहीं, ठीक है माना ये वफादार है, इनकी नियत भी साफ है, लेकिन मुझे एक बात बता, वो लड़की कहां पर है? भाई वो यहां तो नहीं है, लेकिन दिल की सच्ची है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी लेकिन उन सब से माल बचा कर ले आई, और नागराज वाले मैटर को तो उसने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया भाई। और इतना ही नहीं भाई, वो तो बस कर बस, इस देश में जर जोरू और जमीन के कारण ही सब कुछ होता है बेटा, तू मुझे उसके बारे में इतना बता रहा है, ये बता कि उसका बैकग्राउंड जानता है तू? हाँ ना भाई, नागराज स्लम का रॉबिन हुड बन के वहां दादा की तरह बैठा था, वहां उसने पूरी टीम को कूट कूट के निकाल दिया, और स्लम ही तो उसका अड्डा है। हे हे, तेरा भेजा खराब हो गया है, उसने स्लम बोल दिया और तूने मान लिया, कभी स्लम की लड़कियों को देखा है? किस दुनिया में हो, बेहोश हो क्या? उनका फिगर देखा है, उनके कपड़े देखे हैं,
ये सब छोड़ो, उनका कलर भी देखा है क्या? तुझे कौन से एंगल से वो स्लम की लड़की लगती है? यही मिस्टेक हुई है। 24 घंटे में वो कौन है, कहाँ रहती है, सब कुछ पता लग जाना चाहिए। ठीक है भाई। सर, इस पिंक फाइल में छोटे मोटे चोर चक्कों की और चेन स्नैचर्स की जानकारी है, आप ठीक से देख लीजिए। सर, ये येलो फाइल में किडनैपिंग से जुड़े केसेस हैं। और ये ग्रीन फाइल मोस्ट डेंजरस। एक बात बताओ। यस सर। क्यों तुम ट्रैफिक लाइट्स की तरह सबके कलर बता रहे हो? क्राइम के बाद क्रिमिनल सेम होते हैं। जी सर। इसमें से ज्यादा एक्टिव कौन है? रियल एस्टेट बिजनेस के नाम पर आम लोगों के घर तोड़ने वाले लोग कौन है? मोस्ट एक्टिव जो है सिम्हाराज उर्फ सिम्हा, नागराज उर्फ नागा, जोरा उर्फ जोरिया, वसई शंकर। बस इतने ही? हाँ सर, फुल डिटेल्स विद फोटोग्राफ्स इतने ही लोगों की। मतलब बिना डिटेल्स और बिना फोटोज वाले क्रिमिनल्स भी है ना? हाँ सर है। कौन है वो लोग? सर, सिमा और नागा तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनकी भी बाप है। ये लड़की बाइक तूफान की तरह चलाती है, पलक झपकते ही अपनी डील करके फरार हो जाती है। आखिर कौन है वो, ये कोई नहीं जानता। एक लड़की इतनी तेज, ये जो भी है इस पर नजर रखनी होगी हमें। अपने लोगों को बोलो इस लड़की पर नजर रखे, इन्फॉर्मर्स को भी कह दो आई वॉन्ट हर इमीडिएटली। यहां से वापस जिंदा और सही सलामत जाना चाहते हो तो वो ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो, नहीं तो चलो रे। I can't believe, तो तू ये सब क्राइम कर रही है? अब बहुत हो गया। ऑफिसर, एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो पुलिस की गोली से पुलिस वाला ही मर जाएगा, ये कल की हेडलाइंस बन जाएगी। देख तू गलत कर रही है,
तेरी जो भी प्रॉब्लम है हायर ऑफिसर से बात करके सॉल्व करवा दूंगा मैं। प्लीज सरेंडर योरसेल्फ। मेरी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगी, इसीलिए मैं ऐसी। फिर मिलेंगे। देख तू गलत कर रही है, तेरी जो भी प्रॉब्लम है हायर ऑफिसर से बात करके सॉल्व करवा दूंगा मैं। प्लीज सरेंडर योरसेल्फ। मेरी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगी, इसीलिए मैं ऐसी हूँ। ये वही है, विश्वास नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? यहाँ रहने वाले लोगों से अच्छा हो कि नहीं पूछने की जरूरत ही नहीं है। पिताजी कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। ये हमारी फैमिली की नई मेंबर हैं। हाँ। ये लो बेटी। इनको अंदर ले जाइए। आइए बहन। नमस्ते। आइए। हेलो भाई, ये यहाँ पर एक आश्रम में आई है, शांति धाम वृद्धाश्रम में। भाई और भी कोई आया है? देखने से तो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आदमी लगता है। क्या? वही नजर रख। ठीक है भाई। भाई वो झांसी आज एक शांति धाम आश्रम में गई है और वहां सिविल ड्रेस में कोई एक पुलिस वाला भी आया है, जस्ट मेरे आदमी ने बताया। पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है कि वो हमसे गद्दारी कर गई। हे गधे, रास्ते चलते किसी को भी अगर अपना पार्टनर बनाएगा तो फिर यही होगा ना। मुझे तो उसे देखते ही शक हुआ था, जो सच निकला। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है। डायरेक्ट मेरे अड्डे पे पुलिस वालों का अटैक हो गया है। मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बेवकूफ, वही है, वही है। Hey! आश्रम चलो रे, जल्दी करो, चलो। नमस्कार। कौन है आप लोग? क्या काम है आप लोगों को? कुछ नहीं जी, ये आश्रम है, अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है, यही देखने आए थे। शांति खोजने वालों के लिए आश्रम, हमारे जैसों के लिए वृद्ध आश्रम। आपको ये आश्रम देने वाले उस महान व्यक्ति का नाम जान सकता हूँ मैं? ओ क्यों नहीं, हम लोग उन्हें प्यार से बापू जी कहकर बुलाते हैं। कैसे हो प्रसाद? तू अभी तक जिंदा है? थाली में कभी भी खाना ना छोड़ने वाला, भगवान का पूजा का प्रसाद ना छोड़ने वाला, कुछ भी ना छोड़ने वाला। मैंने तुझे छोड़ा? कैसे छोड़ दिया तुझे? हाँ, ओ तेरी वजह से तो सब कुछ गड़बड़ हो रही है। वैसे तू अभी तक जिंदा कैसे है? कैसे सांसें ले रहा है अभी तक? अगर सब कुछ तेरे हिसाब से होता तो उस भगवान का क्या काम, बताओ। तूने कहा था तू प्रसाद भी कभी नहीं छोड़ता है। अरे मूर्ख, उस प्रसाद का भी उपयोग है,
भूखे लोगों का पेट भरता है उससे। यहाँ ऐसी पवित्र जगह पर तेरे जैसा पापी क्या कर रहा है? निकल यहाँ से, गेट आउट। चिल्ला मत, एक बार तो तू मुझसे बच गया है, लेकिन इस बार मुझे देखकर तुझे हार्ट अटैक आ ही जाएगा और तू मर ही जाएगा। हे, एक बार मौत से बचने वाले को दोबारा मरने का डर बिल्कुल नहीं होता। देख, जब तक तू हमारी लाइफ में नहीं आया था ना, तब तक हमारा जीवन कितना शांत और सुख के साथ बीत रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार हमारी कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। ये हमारे एम्प्लॉयज की मेहनत और लगन का रिजल्ट है, इसलिए हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्स को बोनस प्लस 7% सैलरी में बढ़ोतरी के प्रपोजल को आप सबकी सहमति की जरूरत है। आपने फैसला ले लिया है तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल सही। आप जो भी करेंगे कंपनी की भलाई के लिए ही करेंगे, हम जानते हैं। बिल्कुल सही सर। हाँ, थैंक यू मेरे ऊपर इतना भरोसा करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू ऑल। हाँ, वन मोर थिंग, इस बार हमारी कंपनी को एक प्रेस्टीजियस टेंडर मिला है जो ग्लोबल टेंडर हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं मिला, वो हमें मिल गया है। सो आई नीड ऑल सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। आपको हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा सर। अरे, खाने में नमक एकदम सही है, फिर भी ले रहे हो आप। आदत हो गई है आपकी बुरी। थोड़ा सा ही तो लिया है। जी नहीं, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझे? हंस क्यों रही है इतना तू? आप दोनों को प्यार से झगड़ते देखकर हंसी आ गई। तुम किस झगड़े की बात कर रही हो? प्यार वाला झगड़ा पापा। आपको नमक कम लग रहा है और मम्मी आपको नमक लेने नहीं दे रही है, यही तो है प्यार वाला झगड़ा। मम्मी, तुमने पापा से लव करके लव मैरिज की थी, आज भी लव में थोड़ी सी भी कमी ना आए इसका पूरा ख्याल रखती हो, तो उस उम्र में कितना ख्याल रखती होगी। ए नौटंकी, चुप कर, ये लव नहीं है, इसे केयर करना कहते हैं, समझी? पता है पता है। हमारे प्यार के पहले सबूत का फोन आया। अरे मुझे मुझे दीजिए, पापा मुझे फोन दीजिए, मुझे दीजिए। क्या कर रहे हो? रुको। अरे ये फोन मेरा है, मेरे मोबाइल पे फोन आया तो मुझे बात करने दो ना, तुम दोनों का कॉल थोड़ी ना है, मेरा है। सो डिस्कनेक्ट होने से पहले मुझे बात करने दो ना। हेलो, कैसी हो बेटी? ओहो, ये दोनों के दोनों मेरे हाथ से फोन छीन रहे हैं, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं, क्या करूं मैं? हाँ, इसीलिए तो मेरे कान में चिल्लाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल फिट हूँ बेटी, एकदम ठीक हूँ। और मम्मी? हाँ, मम्मी भी ठीक है। हाँ, अरे 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 बेटी बेटी, अपनी बहन से बात कर लो पहले, नहीं तो ये मेरे कान नोच देगी। ये लो लो, बात करो। देखो ना दीदी, क्या हुआ? आपसे बात भी नहीं करने दे रहे पापा मुझे। बस बस, आजकल ना तू ज्यादा मस्ती कर रही है। खुश हो रही है क्या दीदी? आप भी शुरू हो गई ना? कर रही हूँ रे, मम्मी को दे। हाँ, देती हूँ, लो मम्मी। बेटा, कैसी है तबीयत, कैसी है तेरी? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मेरी फिक्र मत करो। क्या ठीक हो बेटा? यहाँ रहकर पापा का बिजनेस संभालती तो अच्छा रहता ना? हाँ, वो तो है। मना किया था ना तुझे, IPS बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ए, ये उसका पैशन है, करने दो ना। दीदी, IPS ऑफिसर बनने के बाद एकदम अलग ही लगेगी। हाँ पता है पता है। अरे वो अभी भी लाइन पर है, पहले उससे तो बात कर लो। हेलो, बोलो मम्मी। ये नौटंकी है ना, तेरी बहन बात ही नहीं करने देती है मुझे। नहीं दीदी। हेलो दीदी। हेलो, फो फोन ही कट हो गया उसका। कट ही हो गया आखिर। बेचारी क्या कर रही होगी। Hey, सुन, VP ग्रुप ऑफ कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन, कंपनी चेयरमैन का नंबर तुरंत ला कर दे, अभी चाहिए, समझा? ओके सर। जा।
हेलो, मलेशिया से कॉल है सर। मलेशिया से? यस सर। कनेक्ट करो। ओके सर। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रसाद। थैंक यू वेरी मच। मे आई नो हु इज ऑन द लाइन प्लीज? ओह आई एम सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद। मुंबई में सब लोग मुझे प्यार से भाई कह के बुलाते हैं। दुर्गा प्रसाद, प्रसाद जो सरनेम है ना, वो हम दोनों में कॉमन है। नाइस टॉकिंग टू यू। हे प्रसाद भाई, इस देश का सबसे बड़ा टेंडर आपकी कंपनी को मिला हुआ है, विश करने के लिए मैंने कॉल किया है। वेरी काइंड ऑफ यू। ऐसे प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट में हमें भी जुड़ने का मौका मिले तो हम भी प्रेस्टीजियस बन ही जाएंगे थोड़ा बहुत। ओह ये तो अच्छा है, आप हमारे साथ काम करेंगे तो हमारी कंपनी को तो फायदा ही होगा ना। हाँ। ओह नाइस, इतना जल्दी आपके साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा, ये सोचा नहीं था। वेरी नाइस। ओह आप काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे जमीन पर तो रहना ही पड़ता है। गुड। वैसे आपकी बातें भी कुछ बुरी नहीं है, आपके साथ बिजनेस करने के बाद शायद हम और आगे बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। वेलकम। थैंक यू। नमस्ते प्रसाद जी। ओ वेलकम दुर्गा प्रसाद। बाय द वे ये कौन है? ये है किशोर चंद्रा। मेरा सारा बिजनेस अपने दोनों हाथों से यही देखता है। oh. और ये मेरे छोटे बेटे जैसे। वेरी नाइस, अपना एक करीबी होना ही चाहिए। प्लीज बैठिए। श्योर, बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके साथ बिजनेस करने का मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका कितना भी थैंक्स बोलूं बहुत ही कम होगा। आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे यूज करता हूं आप देखते जाइए, आपकी कंपनी को इतनी ऊंचाई पर लेकर। देखिए देखिए देखिए, मेरी कंपनी बोलकर आप मुझे पराया बना रहे हैं, हमारी कंपनी बोलिए ना। हाँ। ओह आई एम वेरी सॉरी। सुपर्ब भाई। इसे इतना डीपली क्यों देख रहे हो? किसी भी प्रेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केट में भाव गिरा देना चाहिए, डुप्लीकेट मार्केट में उतार दो और फिर उस डुप्लीकेट को अच्छे से प्रमोट करके मार्केटिंग करके सेल बढ़ा दो। ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड अपने आप कम हो जाएगा, कंपनी को उस प्रोडक्ट से लॉस होना शुरू होगा, समझा? इसमें अपना क्या फायदा है भाई, हम तो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हमारा तो लॉस होगा। यही तो प्लान है। लॉस होने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी से बाहर हो जाएंगे, फिर वो शेयर्स हम खरीद लेंगे, इसके बाद डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे रोक लगा देंगे और मार्केट पे राज करेंगे। सुपर आइडिया। <idea. laughs>
किशोर। हाँ भाई। वीपी का क्या ट्रेंड है? क्रूड ऑयल ओके, गोल्ड सिल्वर से ऊपर चल रहा है। देखो अपने जो भी शेयर्स हैं उन सब शेयर्स को अंडर वैल्यूड करके सारे शेयर्स को मार्केट में बेच दो, उसके बाद में भाव बढ़ा दो। ओके भाई। प्लान टू। हाँ टू। ये क्या है प्रसाद, लुक एट द स्टेटमेंट, सेंसेक्स में हमारी कंपनी की ट्रेडिंग गिरती ही जा रही है। मार्केट ट्रेडिंग सेक्टर में अंडर वैल्यूड हो गया है, कंपनी लॉस में है, ये बात फैल चुकी है। इतना ही नहीं, अब तक हमारे किसी भी प्रोडक्ट का सर्विस का डुप्लीकेट नहीं था। लोकल मार्केट में हमारे ओरिजिनल से ज्यादा डुप्लीकेट का फ्लो है। आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर कैपेबिलिटी। अगर ऐसा ही रहा ना, वी शुड टेक बैक आवर शेयर्स फ्रॉम योर कंपनी। यू शुड डू समथिंग। यस यस यस। कूल डाउन, प्लीज काम डाउन। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। जब से दुर्गा प्रसाद ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तभी से ऐसा चेंज हो रहा है। उन्हें भी यहाँ बुलाया है मैंने। A warm morning to all my directors. और मिस्टर प्रसाद, अर्जेंट मीटिंग है बोल के कॉल आया था। मेरी बातों पे डायरेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं, मामला कुछ गंभीर लग रहा है। यस मिस्टर दुर्गा, नंबर वन, मार्केट में आज तक हमारे प्रोडक्ट का डुप्लीकेट नहीं आया था, पर अब आया है। इज इट? अरे रे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को सीज करो, मैन्युफैक्चरर्स पे एक्शन ले लो, कोई बचकर जाने ना पाए। और एक्शन लिया है, बट आई विल लेट यू नो लेटर। नंबर टू, हमारे कंपनी के शेयर्स को अंडर वैल्यू करके मार्केट में बेचा जा रहा है। अब इसका रीजन हम कैसे पता करें? पता चल गया है, बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू समथिंग। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम्हारे आने के बाद ही ये सब हो रहा है। यू मीन टू से ये मेरा किया था है? इतने लोगों में से कोई भी ये कर सकता है ना, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं आप? मिस्टर प्रसाद, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। एक महिला होने के नाते हम जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे सही रास्ते पर चलने का आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन वो बड़ा होकर तुम्हारे जैसा विश्वासघाती बने, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। सही कहा आपने, अपना अपराध छुपाने के लिए हम पर उंगली उठा रहे हैं। इन जैसे फ्रॉड लोगों की वजह से या तो कंपनी बंद हो जाती है या तो बैंकक्रप्ट हो जाती है, इन जैसे लोगों की वजह से। स्ट्रेट अवे आपसे बोल रहा हूँ मिस्टर दुर्गा, हमारी कंपनी के इंटेलिजेंस टीम ने मेहनत करके डुप्लीकेट प्रोडक्ट सीज किए और इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। डुप्लीकेट सप्लाई करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा यही किशोर है। ये यस, इज्जत से अपने सारे शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर दो। कंपनी डायरेक्टरशिप से तुरंत रिजाइन करके वापस मलेशिया चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारी कंपनी की इंटेलिजेंस टीम ने मेहनत करके डुप्लीकेट प्रोडक्ट सीज किए और इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पता चल गया है, बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू समथिंग। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम्हारे आने के बाद ही ये सब हो रहा है। यस, इज्जत से अपने सारे शेयर्स कंपनी को सरेंडर कर दो। कंपनी डायरेक्टरशिप से तुरंत रिजाइन करके वापस मलेशिया चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है।
वेलकम मिस्टर प्रसाद, वेलकम। सॉरी, तुम्हारे ऑफिस की तरह यहां एसी हॉल नहीं है, चेयरमैन के बैठने के लिए चेयर भी नहीं है। यहां बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर दुर्गा। रेजिग्नेशन दोगे, माफी मांगोगे मुझसे, यही सोचकर मुझे यहां बुलाया था ना। लेकिन अगर कुछ भी चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। यू विल पे फॉर इट। जिसके लिए बुलाया है चुपचाप इज्जत से वो सब सरेंडर करो। चलो क्लियर करो। कर दूंगा क्लियर, लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, आप क्लियरेंस दे दीजिए। मेरा मेरा कौन सा क्लियरेंस? हाँ है, दिखा रहे इसको। ये ले, साइन कर। करो करो, ये क्या दुर्गा, ये तो ब्लैकमेल है। अपनी मनमानी करने के लिए यहां बुलाया था। आई विल कॉल द पुलिस। एक मिनट, पुलिस को फोन करने से पहले कुछ मेहमानों से मिल लो। आपसे मिलने के लिए वो वेट कर रहे हैं, और एक बार उनसे मिल लो, आराम से फोन करते रहना उसके बाद। ए, ए, लेके आ रहे हैं सबको। छोड़ो छोड़ो, हमें छोड़ो, मेरी बेटी को छोड़ो। रश्मि छोड़ो, वेलकम, हमें बचाइए। रश्मि पापा, हमें लक्ष्मी छोड़ो। दुर्गा, दिस इज टू मच। टू मच? तेरे लिए टू मच हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नथिंग। चुपचाप वीपी ग्रुप के रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करके ट्रांसफर कर दो ना, अच्छे से साइन मारकर। सारे के सारे शेयर्स इस बंदे के हो जाएंगे, और उसके बाद बन जाओगे सेम है सेम पोस्ट ऑफ वीपी। सुन, नहीं तो तेरे नाम के आगे स्वर्गवासी जुड़ जाएगा। तेरी फैमिली को मेरे लोग नोच डालेंगे, समझ गया तू? कर दे साइन जल्दी। दुर्गा, तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। सुन, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हजारों लोगों का घर चलाने वाली कंपनी को तेरे हाथों में देकर उसे राख नहीं होने दूंगा। कान खोल के सुन लो दुर्गा। राख कितनी महान होती है तुझे नहीं मालूम? माथे पे लग जाए तो विभूति, नदी में बहाओ तो अस्थि। देख, फैसला तुझी को करना है, मौका बार बार नहीं मिलता। माथे पे विभूति लगाकर शांति से घर जाना है, या अस्थि बनकर नदी में विसर्जित हो जाना है। सुनिए, आपसे बड़ के कंपनी है क्या? दे दीजिए इसे, आप सलामत रहे तो ऐसी सैकड़ों कंपनियां बन सकती हैं। हाँ, नहीं लक्ष्मी, नहीं। अगर इस तरह के लोगों से डरते रहेंगे तो हजारों कंपनियां बंद हो जाएंगी और लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। जान जाने की कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे लोगों से मैं कभी नहीं डरने वाला। किशोर। हाँ भाई। नहीं, क्या कर रहे हो? दुर्गा, ए दुर्गा, देखो मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, अगर चाहिए तो मेरी जान ले लो। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पापा। तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मम्मी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चल, मेरी बेटी। मम्मी, छोड़ो मुझे। प्लीज उसे बचा लीजिए। हाँ हाँ, बचाता हूँ, कुछ नहीं होगा उसे, पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। अभी भी बहुत टाइम है, इस सब किस्से के बाद भी मैं तेरी बेटी को अपनी बहू बना सकता हूँ। बेटी, लक्ष्मी, 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 I'll call the police, अभी कॉल करता हूँ। I'll call the police. फोन करता हूँ पुलिस को। I'm a bad man. I'm a bad. मैं जो नहीं करना चाहता हूँ, लोग मजबूर कर देते हैं।
क्या करूं मैं? He fought with me suddenly. मर गया साला. क्या करूं मैं इसका? रश्मि! हमें कुछ नहीं पता बेटी। आंटी बताइए ना, मेरी बहन के साथ क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम बेटी, प्लीज कोई तो बताइए इनके साथ क्या हुआ था। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी बात करो ना। बेचारी कितना रो रही है। रश्मि बात करना, रश्मि उठो ना। पापा 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 कहाँ है आप? पापा पापा मिस्टर प्रसाद, मुझसे टकराएगा तू? मैं पर्सनली छानबीन करूंगा, आप जाइए। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप जाइए। चलो जाओ अभी। ओके सर। हम्म।
हाँ हेलो झांसी झांसी। हाँ पापा। देखो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ। क्या मेरे लिए है? मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं 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 झगड़ा मत करो, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाऊंगा पापा, दोनों के लिए ले आऊंगा। अब बस करो ना, बस। आप हमेशा दीदी के लिए गिफ्ट लाते हो। ओहो झांसी तुम्हारे लिए लाया था लेकिन जबरदस्ती छीन के चली गई वो। जाने दो ना पापा, छोटी है। ए, कितनी बार बोलूं, एक बार बोला समझ नहीं आता क्या? पागल है क्या तू? हमारे पास और भी काम है। रख फोन, तू अभी रख फोन। तुम्हारा क्या है? सर मैंने वो कंप्लेंट दिया था। तुम्हारे केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्राइम स्पॉट पे कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं था। वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी माँ बहन वहाँ क्या करने गई थी? धंधे के लिए कोई और जगह नहीं मिली? इंस्पेक्टर चिल्ला मत, ये पुलिस स्टेशन है। अरे इसे खत्म तो करो, अंदर और भी बहुत सारे पड़े हैं। आराम से, कपड़े ना चल जाए। अरे नहीं नहीं वो नहीं आएगी, पटाखों के डर से दरवाजा बंद करके छुप के बैठी है। हाँ तुम जलाओ, मजा आ रहा है ना? बता रहा है। वाह कितना अच्छा। हेलो। हेलो, मैं डीआईजी रवि बोल रहा हूँ। तुम कल आकर मुझे ऑफिस में मिलो। क्यों सर? आने पर बताऊंगा, प्लीज कम, लेट मत होना। ओके ओके सर, आ जाऊंगी। थैंक यू। इतनी बहादुर लड़की होकर ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ तो फिर क्या बोलूं? अब बोलने को बचा ही क्या है सर? सबको खोने के बाद मैं अनाथ हो गई हूँ। अब इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है सर। कौन कहता है कि तुम अनाथ हो? और मैं क्या बोलूं सर? मैं कह रहा हूँ कि तुम अनाथ नहीं हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। सर सर ये आप क्या कह रहे हो सर? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। सर प्लीज बताइए मेरे पापा कहाँ हैं सर? आओ तुम्हें लेके चलता हूँ। हाँ हाँ चलिए। पापा
ओ झांसी, सर ये सब कैसे हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं? उस दिन मैं ऑफिस में ही था, उसी वक्त एक ऑफिसर का कॉल आया मुझे कि गोडाउन में 3 लाशें मिली हैं उसे। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट, वहां देखा तो प्रसाद, तुरंत ही इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इनके बारे में किसी को नहीं पता। सर यस प्लीज इनको डिस्टर्ब ना कीजिए, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके डॉक्टर, यू डोंट वरी। झांसी चलो बाहर। पापा चलो आओ आओ झांसी, झांसी क्या हुआ? सर पापा को इस हालत में देखने के बाद अब मैंने फिर से आईपीएस ड्यूटी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है सर, ताकि मैं उन अपराधियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। हाँ तुम? हाँ सर। अरे झांसी, जिस काम को बड़े से बड़ा अफसर आज तक नहीं कर पाया उसे तुम लड़की होकर क्यों नहीं कर पाऊंगी सर? कहीं ताकत की जरूरत है और कहीं दिमाग की, और मेरे पास तो दोनों ही है और भरोसा भी। इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए सर, एक से एक वीर बहादुर मिलेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ की रानी चन्नम्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आयरन लेडी सरोजिनी नायडू। मुझे भी इन लोगों के जैसे क्रांति शुरू करनी है सर। गुड गुड झांसी गुड, लेकिन अब तुम एक अंडरकवर बन के काम करोगी, किसी को पता ना चले। यस, तुम्हारे टारगेट पे होंगे सब एंटी सोशल एलिमेंट्स, गॉट इट? ओके सर। कम। सुन के झटका लगा, विश्वास नहीं हो रहा है ना? मिस्टर दुर्गा प्रसाद, जो तेरी मर्जी होगी वो नहीं चलेगी, सिर्फ भगवान की मर्जी चलेगी यहाँ। और जानता है भगवान ने मुझे क्यों बचाया? तेरा अंत देखने के लिए। मिस्टर प्रसाद, मेरी नहीं चलेगी, बस भगवान की मर्जी चलने वाली है। हाँ देख, अब तू देख मैं कैसे अपना हिसाब चुकाता। हिसाब चुकता होगा, लेकिन तेरी मर्जी से नहीं। देखना चाहता है तो रुक। ए, ये क्या कर रहा है? देख ये देख, फैंसी ड्रेस पहनने वाली मेरी बेटी, तेरे जैसे राक्षसों और दरिंदों का अंत करने के लिए झांसी आईपीएस बन गई है, आ रही है वो तेरा अंत करने के लिए। इस शहर में एक भी क्रिमिनल नहीं बचना चाहिए, एंड शी इज विद यू, गॉट इट? यस सर। यस सर। हेलो, हे आईपीएस, ये कैसा गेम है रे? स्लम बोल के मेरे अड्डे में घुस गई तू, अंडरकवर बन के मुझे सबक सिखाएगी? स्लम में मॉल में फर्क होता है रे, मुझे नहीं पता क्या? आजा, माँ और बहन को मरते हुए तू देख नहीं पाई ना, आजा। और तो और तेरे बाप की मौत का इनविटेशन भेज रहा हूं, आजा। Oh, 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 oh!
आजा, आजा मेरी बेटी, मैं मर भी गया तो चलेगा, लेकिन इन दरिंदों को तो छोड़ना मत। थैंक यू। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ बेटी। पापा। अब तुझे डर लग रहा है, गला सूख रहा है तेरा, आवाज नहीं निकल रही, अब तो तू फंस गई मेरे झांसे। मुझे लगा तेरा बाप तो उसी दिन मर गया था, लेकिन तेरे बाप को ऊपर वाले का वरदान मिला है, अभी भी वो जिंदा है, यहीं दफन करूंगा। लेकिन अब नो मोर टाइम, अब ये बता तू यहाँ आकर बाप को बचाएगी या गिड़गिड़ाएगी, मर्जी तेरी। ए, 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 आ रही हूँ मैं अभी के अभी। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। समझ ले तेरा ये आखिरी दिन है। फेवर दिखा रही है, लेट मत होना, मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं। और हाँ, आते वक्त परफ्यूम मार के आना तू, ताकि मरने के बाद भी तेरी खुशबू हम सब लेते रहे। Damn it! झांसी, कुछ नहीं होगा उन्हें, डोंट वरी। नहीं, उसे इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं हम, उसने मेरी माँ और बहन के। झांसी, कूल, कम ऑन। Thank you.
पापा, आपको कुछ चाहिए? झांसी, छोड़ना मत इसको, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, छोड़ना मत इसे, छोड़ना मत इसे मेरी बेटी। ये मेरा शिकार है। नहीं नहीं झांसी, नहीं झांसी, नहीं मत मार मुझे, छोड़ दे मुझे, और चाहिए तो मैंने तुम्हारे पापा से जो लिया है वो सब मैं वापस कर दूंगा तुम्हें, बस मुझे जाने दे, छोड़ दे मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, मत मार मुझे। जाने दूं तुझे? अब तेरी लाइफ की कीमत एकदम खत्म, समझा? उस दिन मेरी माँ और बहन को बेरहमी से मारते वक्त तुझे उनके लाइफ की कीमत का पता नहीं था ना, बोल अब जानना चाहेगा? नहीं झांसी, झांसी मार डाल इसे। झांसी पापा।